हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं सबसे पहले आज आपके साथ शुरुआत करूंगा कि बाजार में एक रिकवरी देखने के लिए मिली। निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी में 1/3 रिकवरी जो है देखने के लिए मिली। तो कल की जो रेड कैंडल थी उसका 1/3 हिस्सा जो है वो कवर होता हुआ नज़र आया, और वो 1/3 हिस्सा तो कवर हो गया। लेकिन अभी जो है संकट के बादल छटे नहीं हैं, और अभी तो क्या है कि जो पैसा स्मॉल कैप से निकला था उसका कुछ हिस्सा स्मॉल कैप में वापस भी आया। लेकिन अभी ये जो आज की रैली है इसको हम एक रिलीफ रैली की तरह भी ट्रीट करेंगे। और क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी के अंदर शेयर्स थे, तो जो 2 दिन में हमने देखा कि निफ्टी बैंक को गिरने से बचाया गया, निफ्टी को गिरने से बचाया गया, तो कल जैसे बाजारों में काफ़ी अच्छी सेलिंग थी, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी को बचाया गया। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कल का निफ्टी का जो सेल ऑफ था वो बड़ा खतरनाक था, लेकिन आज निफ्टी जो है एक अच्छा पुल बैक कर पाया। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि रिलीफ रैली है, और इंडेक्स से ज़्यादा अभी भी जो पेन है वो हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने के लिए मिले। और बाजार जो है एक शॉर्ट टर्म के अंदर अभी एक करेक्शन के मोड में रहे। अब अगर हम बात करें तो जहाँ कल कमजोरी थी आज वहाँ तेजी नजर आई। उसमें अदानी ग्रुप के शेयर्स थे, इन्फोसिस था, लार्सन और टीसीएस जैसे। कमजोरी आज थी एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, बजाज फाइनेंस, एसबीआई जैसे शेयर्स में। तो बैंकिंग आज वीक थे, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल का जस्ट रिवर्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ उस जैसा ही था। कल जो घटने वाले थे आज वो बढ़ने वाले थे, बढ़ने वाले घटने वाले, तो एक तरीके का रिवर्सल था। लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी कल गिरने में थी। तो उसका तकरीबन जो है मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 जो हिस्सा है वो तो रिकवरी हो गया। कुछ शेयर देखिए कल जितने गिरे थे उससे भी ज़्यादा चल गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कल बहुत गिरे थे वो आज हिले भी नहीं। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि जहाँ पर वैल्यूएशन वाइज रिस्क है, जहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसके सामने उसका शेयर प्राइस मैच नहीं करता है, वहाँ पर अभी भी चैलेंजेस रहेंगे। और अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, हीरो मोटो को, हिंडाल्को सब तेजी में थे, और बाजार में अभी वोलेटिलिटी छटी नहीं है, बाजार में वोलेटिलिटी अभी है। और कल का जो फ्राइडे है वो हमें लग रहा है कि कल भी एक अच्छा वोलेटाइल सेशन रहेगा। सेंसेक्स की भी कल एक्सपायरी है, और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स जो है कमजोर थे, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स। और आज एफआईज देखिएगा नेट सेलर हो गए, तो आज एफआईज ने जो है कैश मार्केट में अच्छा माल बेचा है। और निफ्टी बैंक तकरीबन 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। जो बाजार आज सुबह खुले तो ऐसा था कि क्योंकि कल का क्लोज खराब था तो बाजार खुलते के साथ एक बार जो है सीधे बाजार माइनस में घुस गए, और 46,600 को भी निफ्टी बैंक तोड़ा। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे करके पुल बैक करता रहा, और 12 बजे के आसपास बाजार देखिए उच्चतम स्तर पर चले गए। लेकिन उसके बाद फिर 1 बजे के बाद एक बार सेलिंग हुई, और फिर धीरे 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 बाजार में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक माइनस में जाकर क्लोज हुए। और निफ्टी की जो कैंडल है अगर कैंडल को देखें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है जो तेजी करने वाले का था वो सारा खाली हो गया, नीचे से मंदी करने वालों का भी खाली हो गया। लेकिन तेजी और मंदी की जो पोजीशंस थी उसमें जो तेजी वाले जो सेल था वो जो ऊपरी लेवल पर जो सेल ऑफ हुआ वो थोड़ा सीवियर था। तो अभी देख के ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिवली पुट कॉल रेशियो तो नीचे की तरफ है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी हमें लग रहा है, और निफ्टी भी ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है अभी भी इन पर काम करेगी। और ये भी हो सकता है कि बाजार खुलते के साथ ही माइनस हो जाए, और बट हर राइज के अंदर अभी हमें सेल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पुट राइटिंग कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बाजार अगर आधे दिन खड़ा रहता है या तेजी में रहता है तो थोड़ी पुट राइटिंग हो सकती है। लेकिन आज देखिएगा बाजार ने, निफ्टी ने इतना अच्छा पुल बैक दिया जब भी पुट राइटिंग नहीं हुई, यानी कि पुट राइटर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कॉल राइटिंग अभी भी एग्रेसिवली ज़्यादा है। तो ये बता रहा है कि बाजार के अंदर अभी भी जो डर का माहौल है वो पुट राइटर्स के लिए है, क्योंकि पुट राइटर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पुट राइट नहीं कर रहे, तो उनको भी लग रहा है कि बाजार नीचे खिसक सकते हैं। तो अभी भी बाजार के अंदर जो अंडरटोन है वो सेल ऑन राइज ही रहने वाली है। कोटक महिंद्रा, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब तेजी में थे। एक्सिस, एसबीआई और एचडीएफसी कमजोर थे। अगर हम बात करें एफआईज ने आज क्या किया, तो एफआईज ने 1,356 करोड़ की जो है कुल मिलाकर सेलिंग कर दी। कल भी 4,595 करोड़ की, लेकिन आज डीआईज बैकफुट पे था, डीआईज ने कुछ माल ज़्यादा खरीदा नहीं। 711 करोड़ की एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग थी, और 18,203 इंडेक्स ऑप्शंस। तो इंडेक्स ऑप्शंस देखिएगा कुल मिलाकर अभी तक 1,00,000 करोड़ से ऊपर की इंडेक्स ऑप्शन बेच के बैठे हुए हैं। तो जब ऑप्शन सेलिंग का डाटा एफआईज का बहुत बड़ा है तो वो बाजार को एक नैरो रेंज में रखने की चेष्टा करेंगे। तो इस हफ्ते और ये इस पिछले 15-20 दिन में
ऊपर की रेंज बाजार ले आया है, तो कोशिश ये होगी कि जो अगले 10-12 दिन है उसमें बाजार को उन्हीं लेवल्स के पास लाने की कोशिश करी जाए जहां पर कि बाजार चले थे महीने की शुरू में। तो चांसेस ये है कि ऐसी परिस्थिति में सेल ऑन राइज वाला बाजार रह सकता है। और FIs जो है अपने स्टॉक के फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ भी आज एक अच्छी कवरिंग की उन्होंने, 2197 करोड़ और 1290। पिछले महीने में जो स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट थे वहाँ पर एक अच्छी कवरिंग आई है, और FIIs शॉर्ट कवरिंग का शिकार नहीं होना चाहते। तो बाजार जो है ज़्यादा FIIs के स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। पुट कॉल रेशो निफ्टी की 0.866 है, और PCR जो है बैंक निफ्टी की 0.765 है। तो कुल मिलाकर ये जो ऑप्शंस और के जो डेटा है पुट कॉल रेशियोज में, अगर इनको देखें तो इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि भाई पुट राइटर बहुत मजबूत है। तो अगर पुट राइटर बहुत मजबूती के साथ पुट राइटिंग करते तो ऐसी उम्मीद होती है भी बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब है कॉल राइटर एग्रेसिव है। तो हर ऊपरी लेवल के ऊपर जो है एक सेलिंग प्रेशर जो है बैठ जाता है। तो अभी जब तक कॉल राइटर या तो ट्रैप ना हो जाए, तो कॉल राइटर हर राइज के ऊपर जो है बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हमें लग रहा है कि बाजार सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 72 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 पे चला गया, इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बढ़िया तो नहीं है, और इन्फ्लेशन में वो जितना ईज की बात कर रहे थे तो उतना दिख नहीं रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम निफ्टी में देखें तो 22,000 की पुट में एक अच्छी राइटिंग हुई है, तो 22,000 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है तेजी वाले प्लेयर करेंगे। तो 22,000 के नीचे जाने के बाद ही बाजार में एक कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। जो हमारा पुराना लेवल है 21,950, अगर उसके नीचे अगर 1 घंटे के आसपास काम होता है तो ही कमजोरी समझें आप, और क्योंकि अब वो लेवल बहुत दूर है। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर जो कॉल राइटिंग है वो ज़्यादा है ही नहीं, 22,200 पे भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर हम पीछे और थोड़ा ऊपर भी आए 22,500 की तरफ, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। तो कॉल राइटर भी नहीं है एग्रेसिवली कि भाई बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। तो अभी बाजार जो है निफ्टी के अंदर वेट एंड वॉच की स्थिति में, बट हमें लगता है कि अगर राइज होता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और पुट कॉल रेशियो अगर बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी में डेटा कहते हैं कि 47,000 के ऊपर तकरीबन 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट हो रखे हैं। और पुट के अंदर अगर हम देखेंगे तो नीचे तक अगर आप चले जाओगे तो कहीं पर भी आपको 1,50,000 का डेटा नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के डेटा थोड़े से ज़्यादा कॉल राइटर्स के फेवर में है, यानी कि बैंक निफ्टी में अब कमजोरी शायद कल आपको और घबराने वाला काम कर सकती है, यानी कि बैंक निफ्टी में भी कमजोरी का रुख रह सकता है। और कुल मिला के जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आज जो रिकवरी आई है वो उतनी तो नहीं है जितनी कल गिरावट थी, लेकिन एक इम्प्रेसिव जो है रिकवरी हमें देखने के लिए मिली। और जो 5-7 दिन से जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो बाजार जो है कमजोरी झेल रहे थे, तो वहाँ पर एक रिलीफ जो है मिला है। तो जो मुझे लगता है कि ये रिलीफ रैलीज जो है अक्सर जब बाजार में बड़ी करेक्शंस होती हैं तो बीच बीच में आया करती हैं। तो अभी बाजार में हमारे को लग रहा है कि बाजार साइडवेज रहना चाहिए और सेल ऑन राइज वाला बाजार रहेगा। बाय ऑन डिप्स जो है बाजार अभी नहीं लग रहा है हमें। और कुल मिलाकर बाजारों के अंदर जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप के हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स हैं, वो धीरे धीरे करके अपना जो है प्रॉफिट डंप करेंगे और स्टॉक्स को डंप करेंगे और अपने प्रॉफिटों को घर ले जाना जो है वो जानते हैं कि किस तरीके से लिया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी भी जो ओवर ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, मतलब बना हुआ था, अब तो थोड़ा फीका पड़ गया स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप शायद अभी परेशान करें। इंडेक्स के अंदर भी जो है अभी गिरावट के ही संकेत अभी दिख रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे वहाँ पे कोई बहुत बड़े इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं थे। और अब जिस तरीके से लिक्विडिटी की स्थिति है कि भाई माना जा रहा है कि लिक्विडिटी जो दूसरी भी असेट्स क्लास में जो है जा रही है, जैसे आप देखेंगे बिटकॉइन या जो बाकी क्रिप्टोज हैं वहाँ पर भी गोल्ड में भी राइज देखने के लिए मिला, ब्रेंट क्रूड भी आपने देखा 85-86 डॉलर के आसपास आ गए। तो ये सब चीज़ें संकेत कर रही हैं कि कुछ असेट्स में जो है शिफ्टिंग जो है वो हो सकती है। तो वो कंट्री स्पेसिफिकली भी हो सकता है, असेट स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इंडिया के मार्केट में देखिएगा वैसे तो खूब दब के SIP का अमाउंट आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको अगर बार भूल जाए तो वैल्यूशंस कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि जहाँ पर हम ये कहें कि यहाँ से बहुत बड़ा पैसा जो है बनता हुआ है नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर अभी हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और बाजारों के अंदर जो डेटा है वो बीच बीच देखिए इस तरीके के पुल बैक आने भी चाहिए और आते भी हैं जब भी कभी बाजार में जो है सेलिंग होती है।
अब ये सेलिंग कब नलीफाई हो जाएगी? मान लीजिए कि जो कल का बाजार का जो हाई था, जो भी कल बाजार टूटा, उस हाई को तोड़ने के बाद अगर बाजार ऊपर 1 या 2 दिन क्लोज देती है तो फिर देखिएगा दोबारा से कॉन्फिडेंस लौट सकता है। तब तक इंतज़ार करिए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेशली जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, इस साल का जो है प्रॉफिट बांधते हुए भी नज़र आएंगे आपको, और जो भी राइज हो रहा है वहाँ पर वो अपने प्रॉफिट जो है बांधते हुए नज़र आते हैं। तो क्योंकि बाजार में बहुत तगड़ा बाइंग मोमेंटम था, तो बेचने वाले को भी पता है कि भाई सारा माल एक ही दिन थोड़े ना बेचना है, तो उनको पता है कि अगर बाजार एक दिन टूटता है तो 1-2 दिन रिलीफ जो है मिलना चाहिए, उसके बाद जब दोबारा आता है फिर वो बेचते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बायर बार बार अटेम्प्ट करेगा ऊपर ले जाने की, और सेलर जो है हर बार ऊपरी लेवल पर बेचता रहेगा, और जब लास्ट लेग होगी तो फिर देखिएगा एक अच्छा सेल ऑफ जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस महीने की जो लास्ट एक्सपायरी होगी वहाँ पे शायद वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आए। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।